राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो राजस्थान की राजनीति में चुनावों को लेकर एक अलग ही रंगत देखने को मिलती है। चुनावी माहौल के समय राजस्थान पूरी तरह से अलग ही रंग में रंग जाता है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी उदयपुर विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे कोटा उत्तर विधानसभा सीट के बारे में। कोचिंग सुविधाओं की वजह से देश भर में चर्चित और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के क्षेत्र कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। तो आपको बता दें, सीट पर करीब 2,91,353 मतदाता है। कोटा उत्तर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ कई अन्य जातियों के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, जो मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। कोटा उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से कद्दावर नेता UDH मंत्री शांति कुमार धारीवाल को टिकट दिया है, तो वही बीजेपी ने फिर से प्रहलाद गुंजन पर अपना दाव खेला है। वही अगर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी पिछले विधानसभा चुनाव की, तो इस सीट पर करीब 2,38,677 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शांति कुमार धारीवाल को 94,728 वोट देकर विधायक बना दिया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद गुंजन को 76,783 मतदाताओं का भरोसा ही हासिल हो पाया था और उन्हें 17,945 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कोटा उत्तर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। कांग्रेस के कद्दावर नेता UDH मंत्री शांति कुमार धारीवाल और भाजपा से प्रहलाद गुंजन दोनों का अपना एक अलग ही जनाधार है, इसलिए इस बार भी इस सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।